हालांकि बच्चा सब बाहर है, कोई है नहीं। बच्चा आने वाला था मुंबई से, उसको मना कर दिए कि माता हमको प्रवचन सुनने दो भाई, आ जाएगा तो बाधा पड़ जाएगा, तुमको हम खाना खिलाएंगे कि हम प्रवचन सुने। क्या कुछ कहिएगा बाबा बागेश्वर सरकार यहाँ आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी? बहुत अच्छा धर्म का स्थान है, और का तेरे आश्रम में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आएंगे, देखेंगे, कथा सुनेंगे, पूरा दिन सुनिएगा। हाँ, पूरा दिन सुनेंगे। बाबा बागेश्वर जी में क्या अच्छा ही लगता है? अच्छाई जब भगवान उनके में है तो बहुत अच्छा ही लगता है। प्रवचन में तो जिसके मन में भगवान हनुमान बजरंग बली छा गए उसमें कहना क्या है जी। आप कहाँ से आए हैं? दानापुर से। और भी महिलाओं को जाकर बताइएगा। हम बताएंगे नहीं, बहुत सारे महिलाएं को लाएंगे, सबको ही आएगा। लाएंगे? हाँ, नाम लिखाने आए थे कलसा के लिए, कलसा लेंगे, बांधी रहेंगे, प्रवचन हाँ प्रवचन सुनेंगे। आप दानापुर से आएंगे? हाँ, दानापुर से आए हैं। इतना बागेश्वर धाम जाने के लिए कोई की फुर्सत नहीं रहेगा, पैसा नहीं, जो भी है कारण कुछ रहेगा, बाकी यहाँ तो कोई कारण नहीं है, यहाँ तो हर आदमी आ सकता है। पहले YouTube, Facebook पर देखते होंगे, टीवी में? हाँ, सब चीज़ पर देखते हैं। सामने देखने को मिलेगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि 4-5 साल पहले मेरे घर गांव के रिलेशन के आदमी जा चुके हैं वहाँ। हाँ हाँ, 4-5 साल पहले जब टीवी मोबाइल में वायरल नहीं, हाँ नहीं हुआ, तो उसी समय क्या पूजा बहुत अच्छा था, और का देख सुन के थे, बहुत अच्छा था। बताते हैं धर्म के बात, बताते हैं पूजा पाठ के लिए कहते हैं। पर्ची बिना लोगों को देखे ही बता देते हैं, पर्ची में लिख के पहले ही से रख देते हैं, ये सब के देख के कैसा भगवान? वो तो भगवान की आस्था है, वो हम नहीं बता सकते, तो उनका आस्था है। हाँ, विश्वास कीजिए तो सब भगवान है, नहीं विश्वास कीजिए तो कुछ नहीं है। आ रहा है कि आने वाले हैं? आने वाले हैं। तैयारी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, बहुत सारी तैयारी हो चुकी है। जो डाल उंडाल तो हम देखा चुके हैं। आप पार्क में जाके देख लीजिए, मेरा पार्क बन के तैयार है। इधर क्या होगा? कुर्सियां जी आगे कर लीजिए ना, गाड़ी पार्किंग बन के तैयार है। और भोजनालय का जो बाबा का जो अथी होगा प्रसाद मित्र, कितने लोगों की व्यवस्था? 3-4 लाख। 4 लाख पर डे? 3-4 लाख आएंगे कि 4-5 दिन में? नहीं, पर डे। पर डे 3-4 लाख, उसी हिसाब से आप लोग? हम लोग तैयारी कर चुके हैं। जो लोग आएगा भूखे नहीं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा तो विजय कुमार ना हुआ। क्या अच्छा लगता है बाबा बागेश्वर सरकार? बहुत अच्छा लगता है। कोई बाबा के यहाँ जाने के लिए सोता है, बाबा खुद हमारे यहाँ आ गए। हाँ, इससे और क्या कुछ है? लोग बाबा के यहाँ जाने के लिए बाई ट्रेन से बरौनी सतना पकड़ के जाते हैं, और बाबा हमारे यहाँ आ गए, इससे खुशी और क्या हो सकता है? मतलब पूरा खुश हैं आप? बहुत। हम क्या खुश है, सारी जनता खुश है। और एक आदमी कुछ अच्छा है उच्छा है बताइए, जो पूछिए बता देते हैं। पर्ची उर्ची खोल के पूरा बता देते हैं, वो तो बता देते हैं। हनुमान का अवतार कहा जा रहा है, हम भी अगर उनका बहुत बड़ा पुजारी बन जाएंगे तो हमको लोग भी कहेगा कि आप बजरंग बली के अवतार हैं, इसलिए वो अपना आती हैं, सिद्ध किए हुए हैं आदि क्या है वो तो बाबा जान सकते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कहिएगा भैया? बाबा बागेश्वर सरकार आ रहे हैं, स्वागत में लगे हुए हैं, और क्या। हाँ, पूरा स्वागत में। हम लोग जितने भी नवयुवक संघ के तरफ से, सब लोग नौपुर के जनता के नवयुवक संघ जितने भी, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं जी। और अब कुछ नहीं, जो विरोध होता है उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग का विरोध का कोई यहाँ चर्चा ही नहीं है, बिल्कुल चर्चा नहीं है, और ध्यान ही देना है विरोध का। विरोध का कोई चर्चा हम लोग सुने भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए विरोध का, ठीक है। यहाँ आ रहे सब लोग, स्वागत में लगा हुआ है, धर्म के प्रचार के लिए आ रहे, सनातन धर्म के प्रचार के लिए आ रहे हैं। सनातन धर्म का एक नारा भी है कि सनातन सीधे कहता है विश्व का कल्याण हो, तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए जब बाबा आ रहे तो विरोध का अर्थ ही नहीं रह गया यहाँ पर। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, आप लोग को इसको कैसे देखते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं तो उनका मांग है, मांग करना तो सभी का जायज़ है। अभी कुछ आपका भी कुछ मांग होगा, अभी मांग करते होंगे, तो इसलिए बाबा जो मांग रहे हैं हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग एक तरह से जायज़ इसको माना ही जाता है, और क्या। इसमें उनका मांग है तो सरकार से मुझे बाबा के मांग है तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। हाँ, ध्यान दिया जाए। बाकी और भी अंकल जी हैं, क्या कुछ कहेगा अंकल जी? बाबा बागेश्वर सरकार आ रहे हैं, आप हम बहुत जैसे उत्साहित है कि आए भाई। हाँ, बहुत दिन से सोच रहे थे कि वहीं जाएं, बाकी वहाँ जा नहीं पाए, और यहीं सुनने सुने कि आ रहे हैं, बहुत खुश हुए। और एक इसके पहले ही से आके देख रहे हैं क्या व्यवस्था है, मेला टाइप लग गया है। हाँ हाँ, पूरा वहाँ से झुलुआ सब, हाँ सब है, सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत उत्साहित है। इतना भीड़ होगा उस दिन की अनुमान तो करें कि 2 लाख से टप जाएगा, ज़्यादा आएगा लोग। हाँ हाँ, ये लोग तो अनुमान कर रहे हैं 2 लाख से टप जाएगा। व्यवस्था भी है और धीरे धीरे और हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जगह की कमी यहाँ नहीं है,
पानी उनी भी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रहा है, कोई तरह दिक्कत और जितने आएंगे उन लोगों के भोजन की भी व्यवस्था सुनते हैं कि है, इस सब कोई कमी नहीं है व्यवस्था। और मंदिर तो बहुत पुराना है, हाँ यहाँ तो और बहुत पहले से ही सेवा भाव है। बहुत से बच्चे जैसे यहाँ पढ़ी लिख करके बहुत आज के जैसे कोई शिक्षक बने कोई प्रवचक। आज देखने आए हैं कि प्रत्येक दिन? ना ना, हम तो ये दूसरा तीसरा बार आए हैं भाई, तो इस साल माने प्रवचन सुन के पहला बार आए हैं कि आने वाले हैं और रोज आएंगे, एकदम आएंगे, आ जाएंगे। पटने मकान है, आ जाएंगे। चाची जी बोल रहे हैं कि हम अपन घरे से सबको लाएंगे उधर से पूरा एकदम। हाँ तो हमारे परिवार है वो। हाँ तो लेखा नगर से लोग आए करें बहुत। दानेपुर से हैं? हाँ हम टीचर से रिटायर हैं, अब तो टीचर। और भी कुछ बोलिएगा? ना ना आप क्या बोलेंगे, बहुत कुछ बोलते हैं। महिलाएं बहुत महिलाएं आएंगे, बहुत महिलाएं। महिलाएं के साथ दिक्कत है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, पुरुष लोग जाकर घूम लेते हैं, हम लोग कहाँ जा पाएंगे, घर परिवार बाल बच्चा दुनिया जान छोड़कर नहीं जा। यहाँ तो आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता है। वही बात ही बोल रहे हैं। आप उनको ले नहीं गए कहीं? ना इसीलिए बात नहीं ले गए हैं। बच्चा है, घर परिवार है, जा भी नहीं सकते। यहाँ तो कोई दिखते नहीं, दिन भर आकर सुनेंगे, बच्चों को भी लाकर साथ में लेके आएंगे। यहाँ रोज लेके आना है नजदीक। हालांकि बच्चा सब बाहर है, कोई है नहीं। बच्चा आने वाला था मुंबई से, उसको मना कर दिए कि मत आओ, हमको प्रवचन सुनने दो भाई, आ जाएगा तो बाधा पड़ जाएगा, तुमको हम खाना खिलाएंगे कि हम प्रवचन सुनेंगे, चलते हम मना कर दिए। बच्चा लोग क्या करते हैं? जॉब में कर रहे हैं दोनों बच्चा, जॉब में। मतलब बाबा के प्रवचन के लिए आपने बच्चे को मना कर दिया कि तुम मुंबई में ही रहो, अपना हमें 4-5 दिन यहाँ प्रवचन। हाँ प्रवचन सुनेंगे माता। बाकी इन लोगों की अपनी कह सकते हैं कि एक प्रकार से श्रद्धा है बाबा के लिए, बाबा बागेश्वर सरकार के लिए। बाकी हम बने हुए हैं झकास भारत पर, लोगों यहाँ पर ओत प्रोत लगे जितना समझ में आया और जानकारी में आया, एकदम कह सकते हैं कि बाबा के अनुयायी के रूप में अभी यहाँ पर लोग अभी मिल रहे हैं। बाकी बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, तरेतपाली मठ के पास हूँ, अभी गेट वहाँ पर है, उसके अंदर भी जाकर खबरें लाएंगे। बाकी कैमरे के पीछे सौरभ हैं, बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।